नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक चम्बियाल आपके सामने एक बहुत ही सुंदर चीज़ और अद्भुत चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसको हम गमक कहते हैं। गाने में हो या बजाने में हो, गमक अगर नहीं प्रयोग की जाए तो वो गाना बजाना खाली खाली सा रह जाता है। क्योंकि आप देखिए, ये गमक है, गाने में भी बजाने में भी ये बहुत ही मधुर लगती है, बहुत ही सुंदर लगती है, लेकिन रियाज इसका जो है वो बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि दो स्वरों का जो गैप है, दो स्वरों का जो संयोग हम कह सकते हैं या कॉम्बिनेशन जो है, वो जब तक एक्यूरेट नहीं आता है तब तक वो गमक जो है वो ठीक नहीं हो सकती, या उसको हम ठीक नहीं कह सकते। क्योंकि खाली सुर हिलाना जो है वो गमक नहीं है। एक स्वर से दूसरे स्वर की जो डिस्टेंस है उसको बरकरार बनाए रखना, सुर में बनाए रखना ही अच्छी गमक हम कह सकते हैं। तो देखिए क्या होता है कि ये तो मींड होगी, जैसे जमजमा के लिए कण को दो तीन बार हम इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह मींड को अगर हम दो तीन बार प्रयोग में लाते हैं मोटे तौर पर, तो वो गमक का रूप धारण कर लेती है। कैसे? सिंगल लिया मींड, लेकिन वही दो बार या तीन बार लिया हमने, ये गमक होगी। अब इसका रियाज हमने कैसे करना है? एक रिदमिक पैटर्न आप चूज कर लीजिए, उस पैटर्न के आधार पर उसको बड़े हुए से कम करते जाइए। अब देखिए, ये चार बार था, उसके बाद आप ज़्यादा बार भी ले सकते हैं, 16 बार, फिर 8 बार, फिर 4 बार, फिर 2 बार, लेकिन जब मींड तैयार हो जाएगी तो उससे गमक बनेगी, और गमक तैयार हो जाएगी तो उसमें राग का अलग तरह का स्वरूप निखर के सामने आएगा।
देखिए यमन में आज हमने गमक के बारे में जाना सीखा। कोशिश करिए कि खूब रियाज करिए और इस तरह का कुछ बजाने की कोशिश करिए, क्योंकि यही खूबसूरत चीज़ें हैं, खूबसूरत अलंकारिक चीज़ें हैं जिससे रागों का श्रृंगार होता है। चाहे वो मींड हो, चाहे वो गमक हो, चाहे वो कर्ण हो, चाहे कृंतन हो, खटका, मुरकी, सब चीज़ें। ये लेसन आज का हमारा यहीं पे हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेसन में देखेंगे, क्योंकि गत भी शुरू करनी है, राग भी शुरू करना है और उसमें भी गतों के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, लेकिन वो अभी बात की बात है। अभी हम जितना हमने जाना है, जितना हमने सीखा है, उतना हम रियाज करने की कोशिश करेंगे। उससे हमारा हाथ तैयार हो जाएगा, दोनों तरह का सुर भी तैयार हो जाएगा, हाथ भी तैयार हो जाएंगे। तो उसके बाद सितार बजाना मुश्किल बात नहीं है, फिर तो आप किसी की भी गत सुन के, किसी से भी सीख के आप बजा सकते हैं। लेकिन ये हाथ तैयार करने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थी, जो मुझे लगा कि सीखने वालों की हेल्प इससे हो सकती है, तो मैंने आप लोगों के लिए ये सब चीज़ें लाने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, सीखने को मिला हो, तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरे लोगों की भी जो संगीत सीखना चाहते हैं और कहीं जा नहीं सकते, उनकी हेल्प कीजिए। इसी के साथ आज का लेसन यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।